कोरोना वायरस का दायरा हर रोज बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामले के कारण कई डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर IRB-9 के जवान अब रिम्स में मोर्चा संभालेंगे। रिम्स प्रबंधन ने IRB-9 के जवानों को प्रशिक्षित किया है ताकि रिम्स में आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जा सके। इस बारे में रिम्स के एडिशनल डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि आज इनको मुख्यतः ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ऑपरेट किया जाता है उसका प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और बाहर जो है उनको ऑक्सीजन का सप्लाई देने के लिए हम लोग के पास मैन पावर की कमी हो जाती है, तो ऐसे वक्त पे ये जवान हम लोग के बाहर रहेंगे और इसमें हमारी मदद कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है और हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको जानकारी है कि ऑक्सीजन कैसे दिया जाए तो वो तुरंत उस पेशेंट की मदद कर सकता है और इससे कई लोगों को राहत भी मिलेगी और कई जान भी इसमें जाने भी बचने। वहीं IRB-9 के हेड कांस्टेबल अजय सिंह और महिला कांस्टेबल अंजलि बड़ाई से भी सुनी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि जो भी पेशेंट आते हैं जिनको परेशानी है उनको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें और भरपूर प्रयास करेंगे तो उनकी सहायता करें और किसी प्रकार के उन लोगों को कठिनाई ना हो जो ऑक्सीजन से जूझते हुए आ रहे हैं, जिनके साथ कठिनाई है, जितना उनका लेवल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उनको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि फोर्स को सिर्फ अब तक हम लोग मैदान में देखते थे लेकिन अब हम लोग को हॉस्पिटल में भी अवसर मिला है, उतार दिया गया है ताकि कोरोना पेशेंट का मदद करे। अभी हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे पेशेंट को उसके द्वारा सेवा दे सकेंगे वो सीखे, जिसका हम लोग ने बहुत अच्छे से सिखलाई की और अब हम लोग तत्पर है ताकि कोरोना पेशेंट को हम लोग उसके द्वारा जितना सहायता दे सके देने के लिए। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।